विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात कैसे कहेंगे हम अपनी संसद में? सरकार की गलत नीतियाँ थी, पूरी संस्कृति को आप खत्म करना चाहते हैं। आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूँ आपके साथ अनु जैन रोहती। अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच एक और नया विवाद सामने खड़ा हो गया। एक और पार्लियामेंट जो लिस्ट आई है उसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट प्रीमिसेस में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन या भी किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं हो सकती है और इसको लेकर विपक्ष एक बार फिर एकजुट होकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साध दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से तुरंत इस बात का जवाब दिया गया है, पलट कर जवाब दिया गया है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2009 में ये ऑर्डर इश्यू हुआ था, उस समय यूपीए की सरकार थी और ये ऑर्डर यूपीए की सरकार ने जारी किया था और उसके बाद 2021 में इसी ऑर्डर को लागू किया गया था। 2022 में जो ऑर्डर लागू किया गया है उसमें सिर्फ एक वर्ड जो है उसको बदला गया है, रिक्वेस्टेड की जगह कैन नॉट जो वर्ड है उसको सिर्फ चेंज किया गया था, जबकि ये ऑर्डर 2009 में यूपीए सरकार ने जारी किया था। और ये भी कहना है सरकार का कि एक रूटीन अफेयर है, रूटीन जो है ये अफेयर है जिसको जारी किया जाता है पार्लियामेंट शुरू होने से पहले, जिससे कि पार्लियामेंट की जो एक्टिविटीज है उसमें किसी भी तरह की रुकावट सामने न आए। लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं, जबरदस्त जो है इस बात पे निशाना साधा जा रहा है। इससे पहले जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को लेकर भी जो विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ बातें जो हैं जो शायद लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, नेताओं की भी याददाश्त शायद हो सकता है कमजोर हो। 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तो बहुत से ऐसे वर्ड्स जो है अनपार्लियामेंट्री घोषित किए गए थे जिसको आम जो लैंग्वेज है उसकी भाषा में हम यूज करते हैं और इनमें से कुछ वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूंगी जो 2012 में अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स जिन्हें कहा गया था। इसमें जैसे है ब्राइब, करप्शन, फ्रॉड, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आम लैंग्वेज में हर कोई इस्तेमाल करता है। ये कोई गाली नहीं है, ये कोई ऐसा भारी भरकम वर्ड्स नहीं है जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा इडियट, जो हम आम अपने दोस्त को भी बोल देते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स जो है 2012 में जब यूपीए की सरकार थी वो जो है जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स जो है घोषित किए गए थे। लेकिन जो भी है विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है, सरकार जो है उन आरोपों का पलटकर जवाब दे रही है। और दोस्तों इसके बीच, इसी सबके बीच न्यूज दशा से बातचीत करी है मनोज झा ने, जो आरजेडी के सांसद हैं। और मनोज झा ने कहा, जो कहा है आपको बताते हैं, उन्होंने ये जो कहा है कि जो पार्लियामेंट प्रीमिसेस में धरना प्रदर्शन और ये सब बैन किया गया है ये आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं मनोज झा। बीते दिनों पहले एक असंसदीय शब्दावली की एक नई सूची आई, वो अपने आप में एक तकरीबन मैं कहूंगा कि एक ऐसी मनोवृत्ति का परिचय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रतिरोध की पूरी संस्कृति को आप खत्म करना चाहते हैं, शब्द भी आप लोगों को चुनने नहीं देंगे। अब ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन आई, संसद में परिसर में लोग धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अनशन नहीं कर सकते, क्या साहब रामधुन तक नहीं गा सकते? क्या बना रहे हैं आप आजादी के 75वें वर्ष में? कौन सी मिसाल लोकतंत्र को आप दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि माननीय स्पीकर साहब और माननीय चेयरमैन साहब को फौरी तौर पर हस्तक्षेप करके इस तरह की तमाम कोशिशें जो संसदीय लोकतंत्र को कब्रगाह में भेजने की तैयारी हो रही है इस पर विराम लगना चाहिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि दबाने की मनोवृत्ति की वजह से जो श्रीलंका में विस्फोट हुआ, संभवतः हम उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे अगर आप प्रतिरोध के इन अवसरों को भी आप बंद करने, उनको कुंद करने, उनको जमींदोज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मनोज झा जी ने दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया, कब्रिस्तान और श्रीलंका के हालात हो जाएंगे भारत में। तो जहां तक धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो पार्लियामेंट में, इस पर किसी को शायद एतराज नहीं होगा, लेकिन जिस तरह के हालात हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि संसद में रॉकेट बनाकर फेंके जा रहे हैं, ऑनरेबल स्पीकर की कुर्सी की तरफ किताब फेंकी जा रही है, वेले में जाके डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और जोर जोर से बातें की जा रही हैं, तो संसद की गरिमा यहां कहां रहती है? तो ऐसे में अगर डेमोन्स्ट्रेशन और धरने पर बैन होता है, और जो ये बैन है 2009 में यूपीए सरकार ने भी लगाया था और सेम यही ऑर्डर कैरी ऑन हो रहा है, और इसका मकसद यही होता है जैसा कि कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट शुरू होने से पहले एक औपचारिकता होती है कि इस तरह का ऑर्डर इश्यू किया जाए जिससे पार्लियामेंट की जो
प्रोसीडिंग्स हैं उसमें किसी तरह की हंगामा ना हो, लेकिन ऐसा होता है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से। और सबको ही ये पता है कि जब पार्लियामेंट चलती है तो उसमें लाखों रुपए एक दिन में खर्च होते हैं और लाखों रुपए आम आदमी की टैक्स मनी होती है, आम आदमी की जेब से जाता है, तो हम लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे। और जहां तक श्रीलंका का सवाल है, भारत में ऐसे हालात हो, भारत में हालात श्रीलंका में जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि इतना जबरदस्त वहां पे भ्रष्टाचार और करप्शन हुआ, और उस करप्शन को छुपाने के लिए जो वहां के नेता थे उन्होंने जनता को सब्सिडी दी और फ्री में बहुत सारी चीजें अलॉट की, जिससे वो दिवालिया हो गया। और इसका जो रोष है वो जनता में उभर कर सामने आया, किसी तरह का प्रेशर जो है वो सरकार की तरफ से वहां नहीं लगा है, दिवालिया हो गया है श्रीलंका। जनता में रोष है कि दिवालिया क्यों हुआ है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियां थी और यहां पे जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि जनता ने ही इलेक्ट किया था तो पूरे खानदान को, जो भाई दोनों भाई को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उनके जो परिवार के लोग थे उनको नेता चुना, वो जनता ने ही चुना, और इतना भ्रष्टाचार वहां हुआ। तो भारत में श्रीलंका जैसे हालात ना हो, हम सबकी यही दुआ है। और क्योंकि भारत में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है और जिस तरह की चीजें चल रही हैं और फ्री में चीजें देने के लिए जो सरकार है वो भी थोड़े अपने कदम पीछे खींच रही है, क्योंकि सरकार के सामने वेनेजुएला का भी जो है एग्जाम्पल है, क्योंकि छोटी सी आप कंट्री आपको बता दें यूरोप में, वहां भी यही हुआ था, वहां के राष्ट्रपति ने भी लोगों को लुभाने के लिए बहुत सी चीजें फ्री में बांटनी शुरू कर दी, बिजली फ्री, पानी फ्री और चीजें फ्री, और जिससे वो देश भी दिवालिया हो गया। तो फ्री में चीजें बांटना शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में देश के लिए खतरा हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के ऊपर। इस पर ही बहुत हंगामा हो रहा है और लगातार जारी है ये हंगामा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यूपीए सरकार ने 2012 में बहुत से ऐसे वर्ड्स बैन किए थे जो आम लैंग्वेज में यूज होते हैं। हबीब अख्तर है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, क्या कहते हैं इस बारे में, जानते हैं उनकी राय। असंसदीय शब्दों को कुछ इस तरह से लीजिए, जैसे मेरे संपादक ने मुझसे कह दिया कि आप जो कुछ लिखें उसमें दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार, रक्तपात, खूनी, विश्वासघात, शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, धोखा, बचकाना, भ्रष्ट, कायर, अपराधी, अपमान, गधा, गदर, गिरगिट, पाखंड, अक्षम, भ्रामक, काला दिन, चमचा, बेचारा, और जुमलेबाज ना कहें, नहीं कहेंगे, नहीं लिखेंगे। इसी तरह से आप सोचिए संसद ने किया क्या किया है, लोकसभा सचिवालय ने क्या किया है, उन्होंने इन शब्दों को असंसदीय कहा है। मुझे अगर कुछ लिखना है तो क्या मैं अपना लेख इन शब्दों के बिना या इनमें से कुछ शब्दों के बिना क्या मैं पूरा कर सकता हूँ? मेरा मानना है नहीं कर सकता। विवाद इसलिए है, और संसदीय कैसे हो गया, शर्मिंदा, दुर्व्यवहार आदि आदि बात कैसे कहेंगे हम अपनी संसद में? मैं सवाल करता हूं कि अगर लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों के संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, तो लोकसभा सचिवालय ने उन्हें विश्वास में क्यों नहीं लिया, उन्हें क्यों नहीं बताया कि ये शब्द असंसदीय घोषित किए गए हैं? इसका मतलब ये भी हुआ कि लोकसभा सचिवालय अपने लोकसभा अध्यक्ष को कुछ नहीं समझता, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को बोलना पड़ा कि किसी तरह के कोई शब्द कार्रवाई से असंसदीय कहते हुए बाहर नहीं निकाले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस पे चर्चा तो होगी, इस पे विवाद भी होगा, इसका विरोध भी होगा, और इस पे विरोध जायज है। इन शब्दों के बिना न लेख लिखा जा सकता है, न खबर लिखी जा सकती है, न संसद में बोला जा सकता है। और हम अगर संसद सदस्य
हम मतलब संसद सदस्य अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप उसे कार्रवाई से बाहर कर देंगे, तो मेरी बात का अर्थ क्या रह जाएगा, ये उनकी बात का अर्थ क्या रह जाएगा, ये समझने की बात है। आपने सही विषय पर चर्चा की, आपका धन्यवाद, सलाम, थैंक यू वेरी मच। तो एक बात से इत्तेफाक है कि जो ये वर्ड्स बैन किए जाते हैं उनका इस्तेमाल बहुत आम भाषा में हम लोग करते हैं और उनके कोई विकल्प मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच चली गई है क्योंकि कैसे एक्सप्रेस किया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पे यही होता है कि जब 2012 में यही लिस्ट जारी की जाती है और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अनपार्लियामेंट्री घोषित किया जाता है, तब इस तरह का हंगामा नहीं होता है, और जो लोग हंगामा कर रहे हैं उन्हीं ने वो लिस्ट जारी की होती है, तो इतनी हिपोक्रेसी क्यों है? जो चीज गलत है वो गलत है, चाहे वो यूपीए की सरकार हो चाहे वो एनडीए की सरकार हो, लेकिन गलत को गलत और सही को सही जो एक कहलाने की जो एक करेज होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए। और दोस्तों मकसद यही है होता है इन सब चीजों का, जो समझ में आता है, जो स्पीकर भी बार बार कह रहे हैं ओम बिरला जी, और जो ये पार्लियामेंट्री वर्ड्स है 1952 से इसका चलन स्टार्ट हुआ और एक तरह की परंपरा है कि इस तरह के वर्ड्स संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए बैन किए जाते हैं, और ये विधानसभा में भी होता है कि वर्ड्स जो है बैन किए जाते हैं जिससे गरिमा बनी रहे, धरना प्रदर्शन इस तरह की चीजें टाइम टू टाइम बैन कर दी जाती हैं। तो लेकिन सवाल यही है कि संसद जो है वो राजनीति का सबसे कहते हैं सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी पूजा की जाती है एक तरह से, क्योंकि हर चीज वहीं से निकलकर सामने आती है, और ऐसे में अगर जो संसद है वहीं पे इस तरह का जो काम की बजाय इस तरह का पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष इस तरह की बयानबाजी बहसबाजी में उलझ कर रह जाएगी तो काम कैसे होगा, कैसे कानून बनेंगे, कैसे नीतियां बनेंगी, कैसे देश चलेगा, और इसका खामियाजा आम जनता को होगा। जरूरी यही है कि विपक्ष को भी समझना चाहिए और सरकार को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी फैसले वो ले एक बार विपक्ष के साथ तालमेल जरूर करें। डेमोक्रेसी की यही परिभाषा है कि विपक्ष को साथ लेके चले और उसकी कोई भी क्रिटिसिज्म आ रही है उसको एक्सेप्ट करे और उससे सुधारने की कोशिश करे। दोस्तों न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ मुद्दों पर बात करने की जो कहीं ना कहीं अनटच्ड रहते हैं, और ये मुद्दा मुझे लगा कि ज्यादा इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि पास्ट में जो हुआ यूपीए सरकार ने किया वो अब कोई नेता इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि जो अब हो रहा है वो सब हो चुका है पास्ट में और एक परंपरा है ये। इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।